दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के शुरू में एक इंट्रो देखा, यह फाउंटेन क्रॉसिंग वीडियो का पार्ट 3 है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, हम लोग फाउंटेन क्रॉसिंग वीडियो 4-5 मिनट का बनाना सीखने वाले हैं, फाउंटेन क्रॉसिंग वीडियो। तो दोस्तों मैंने पार्ट 1 करके वीडियो बनाया, पार्ट 2 करके बनाया, पार्ट 3 करके बनाया, इसी तरह से हम लोग बनाते जाएंगे और 4-5 मिनट का वीडियो हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों हम लोग पार्ट 2 में कुछ इस तरह का सीन बनाना सीखे थे। पार्ट 3 में कुछ इस तरह का सीन बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन को आप लोग को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप लोग को इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग को लिखना है साइकिल व्हील करके लिख देना है। कुछ इस तरह से लिखने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरह का व्हील देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, इसमें से किसी एक को डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इतना कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, इसी तरह से आप लोग को मोटर बाइक व्हील करके डाउनलोड कर लेना है। और इसी तरह से आप लोग फुटबॉल करके डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रैक्टर का व्हील करके डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रक का व्हील करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग को क्या करना है, गूगल पे आ जाना है। और गूगल पे आने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, चलिए वो बताता हूँ। गूगल पे आने के बाद आप लोग को सर्च करना है रिमूव बीजी करके सर्च कर देना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करना है और जो आप लोग डाउनलोड किए रहेंगे उसको लेके अपलोड कर देना है। अपलोड करके वहाँ से क्लिक करेंगे तो आप लोग का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। इतना कर लेना है। इतना कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, चले आना है काइन मास्टर में। तो दोस्तों चलिए चलते हैं काइन मास्टर में। काइन मास्टर में आने के बाद आप लोग को क्या करना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। और क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोग को क्या करना है, 16:9 रेशियो ले लेना है और क्रिएट कर देना है। इतना कर लेने के बाद आप लोग को बैकग्राउंड लगाना है। तो बैकग्राउंड कहाँ से लेंगे, तो आप लोग इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन से ही डाउनलोड कर सकते हैं बैकग्राउंड, कुछ इस तरह का बैकग्राउंड जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग वहाँ से डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग कुछ इस तरह से ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पेन एंड जूम पे क्लिक कर दीजिएगा। और पेन एंड जूम पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से जूम कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इक्वल पे क्लिक कर दीजिएगा। इतना कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, इसको वीडियो के ड्यूरेशन के हिसाब से बढ़ा कर लेना है। इतना कर लीजिएगा। उसके बाद लेयर पे क्लिक कीजिएगा और मीडिया में जाइएगा। और मीडिया में जाने के बाद आप लोग को क्या करना है, से कुछ इस तरह का सीन आपको बनाना है। जैसे कि ये हमारा रोड है, हमारा रोड है, तो रोड को ले लेना है। आप लोग को यह रोड बनाना कहाँ से सीखने पड़ेगा, तो आप लोग पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं। आप लोग को मैं पार्ट 2 का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है कि कुछ किस तरह से इस तरह का रोड बनाया जाता है। तो आप लोग इस तरह का ले लीजिएगा रोड। रोड को लेने के बाद क्रॉप कर लीजिएगा। क्रॉप करने के बाद कुछ इस तरह से इसको बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, इसी तरह से आप लोग को कर लेना है। इतना कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, दूसरा वाला रोड लेके आना है। जैसे कि और भी हमारा 2-3 रोड रहेगा, तो इसी तरह से मैं 2 और रोड ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखते हैं ये लाल कलर का रोड है, तो इसको मैं ले लेता हूँ। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरह से क्रॉप कीजिएगा। क्रॉप करने के बाद कुछ इस तरह से बैक कीजिएगा और इसको बड़ा करके कुछ इस तरह से ले लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने पार्ट 2 में इसको बनाना सिखाया दोस्तों। पार्ट 2 वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ इस तरह से आप लोग को ले लेना है और इस तरह से सेट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इतना कर लेने के बाद एक और हम लोग ले लेंगे। जैसे कि हम लोगों ने रोड बना के रखा है, इसको मैंने ले लिया। इसको लेने के बाद यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करना है, कुछ इस तरह से क्रॉप कर देना है। इतना कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, चलिए वो बताता हूँ। आप लोग देखते हैं कुछ इस तरह से इसको क्रॉप कर लीजिएगा। और इसको क्रॉप करने के बाद कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर दीजिएगा। इतना कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इसको सबसे पहले खींच के वीडियो के लेंथ के हिसाब से कर देना है। जितना बड़ा आप लोग का वीडियो रहेगा उतना बड़ा कर देना है। इतना करने के बाद आप लोग को क्या करना होगा वो भी मैं बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। आप लोग इस तरह से खींच के बड़ा कर लीजिएगा। बड़ा करने के बाद आप लोग को क्या करना है, पहले तो सबसे पहले लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और आप लोग जो व्हील को डाउनलोड किए उसका बैकग्राउंड रिमूव किए उसको लेके आना है। तो जैसे कि मैं इसको ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखते हैं मैंने इसको ले लिया है। इसको लेने के बाद कुछ इस तरह से छोटा कर लेना है थोड़ा सा और इसको इस तरह से एडजस्ट कर देना है। इतना कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, कुछ इस तरह से इसको बैक करना है और इसको भी खींच के वीडियो के लेंथ के हिसाब से कर लेना है। चलिए मैं कर लेता हूँ।
इतना कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया में जाना है। और आप लोग को क्या करना है, एनिमल्स को लेके आना है। एनिमल्स आप लोग कहाँ से बनाएंगे, तो आप लोग को एनिमल्स पोजिंग एप्लीकेशन से बना लेना है, जो कि मैं पार्ट टू वीडियो में बताया हूँ किस तरह से बनाया जाता है। उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप लोग को बार बार बता रहा हूँ। कुछ इस तरह से आप लोग को कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ पे क्रोमा किक पे जाना है और इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर देना है। इतना कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, गाय को छोटा करना है, कुछ इस तरह से लेके आ जाना है, जैसे कि मैंने इसके गाय को लिया है। इतना कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसको वीडियो के लेंथ के हिसाब से कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है गाय के ऊपर और यहाँ पे गाय को पहले छुपा के रखना है। और छुपा के रखने के बाद यहाँ पे चाबी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे बैक लेके आना है और कुछ इस तरह से गाय को खींच के लेके आ जाना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखते हैं गाय यहाँ तक आ चुकी है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे ले लेंगे कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा मैं और आगे ले लिया, यहाँ पे थोड़ा सा और आगे ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा और आगे लेंगे, कुछ इस तरह से आप लोग को कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इतना कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, कुछ इस तरह से यहाँ तक लेके आना है, जहाँ तक इस गाय को मुंह आ रहा है एक टायर तक, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक आ रहा है। तो आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना होगा टायर के ऊपर, यहाँ पे कैंची वाला बटन पे क्लिक करना है और स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के बाद आप लोग को क्या करना है, इसको भी इसके ऊपर भी क्लिक करना है, चाबी वाला ऑप्शन पे जाना है और इसको खींच के कुछ इस तरह से लेके आना है और कुछ इस तरह से अंदर तक ठेल देना है। इतना कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, आप लोग को मैं पहले वीडियो प्ले करके एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। चलिए मैं यहाँ से वीडियो प्ले कर दिया। वीडियो प्ले करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा गाय आएगी और उसको टक्कर मारेगी और भील आगे जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अभी हमारा थोड़ा सा गलत हुआ है क्योंकि गाय और भील दोनों साथ में जा रहा है, भील थोड़ा फास्ट जाना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो भील के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लास्ट में आएंगे और लास्ट में आने के बाद कुछ इस तरह से और ठेल देंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा और इधर धक्का दे देंगे इसको। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ओवरले पे जाना है। ओवरले पे जाने के बाद आप लोग को क्या करना है, इस पर यहाँ पे क्लॉक वाइज आएगा, क्लॉक वाइज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इस भील को घूमते हुए दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भील आएगा, टक्कर मारेगी गाय और भील घूमते हुए दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अभी आप लोग को इतना कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, गाय का कलर चेंज करना होगा, रोड के हिसाब से कलर कर देना है। उसके लिए दोस्तों आप लोग को फिल्टर पर क्लिक कर देना है, गाय के ऊपर क्लिक करके फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है और बेसिक फिल्टर में आ जाना है। और इसमें आने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे आप लोग देखते हैं इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखते हैं गाय का कलर चेंज हो चुका है। इस तरह से आप लोग को कर लेना है। अगर आप लोग को इस पर भी नहीं हो रहा है तो आप लोग को क्या करना होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग को एडजस्टमेंट में आ जाना है और इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। इसको देखना है कि किस तरह से हमारा गाय का कलर चेंज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से करके आप लोग को एडजस्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखते हैं पीला कलर हो चुकी है गाय, कुछ इस तरह से आप लोग को कर लेना है। इतना कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, दूसरा वाला लेयर पे क्लिक करना है और आप लोग को दूसरा वाला प्रोजेक्ट को लेके आना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखते हैं मैं ट्रक का चक्का लेके आ जाता हूँ, इसको लेके आने के बाद इसको भी कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। इतना कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, बैक करना है और यहाँ पे इसको बड़ा कर लेना है, जैसे कि इसको खींच के मैं बड़ा कर देता हूँ, कुछ इस तरह से आप लोग को भी कर लेना है। इतना कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, चलिए वो बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग को गाय को फिर से लेके आना पड़ेगा, जो गाय रहेगी या जो भी आप लोग का एनिमल्स रहेगा उसको लेके आएगा। मैं यहाँ पे डॉग को लेके आता हूँ। डॉग को लेने के बाद यहाँ पे आप लोग को क्या करना होगा, क्रॉप पे क्लिक कर देना होगा। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रॉप करना है और यहाँ पे क्रोमा की ऑन कर देना है, जैसे कि ऑन करेंगे उसके बाद यहाँ से 50-50 कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे डॉग को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और छोटा करने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, कुछ इस तरह से इसको भी छुपा देना है। छुपाने के बाद यहाँ पे पहले इस तरह से कट कर लेना है इसको, जैसे कि यहाँ पे वीडियो के लेंथ के हिसाब से कर लेना है। इतना कर लेने के बाद यहाँ पे चाबी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे लास्ट में लेके आना है और डॉग को कुछ इस तरह से खींच के लेके आना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा डॉग आगे तक आएगा, इसी तरह से आप लोग को भी करना होगा। चलिए वो दिखा देते हैं, मेरा चाबी वाला ऑप्शन नहीं हुआ, की फ्रेम नहीं हुआ, अभी हमारा हो चुका है। उसके बाद इसको खींच के लेके आएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी थोड़ा सा और इसको लेके आएंगे और थोड़ा सा इधर लेके, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थोड़ा और लेंगे, हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थोड़ा अंदर तक चला गया है। इसी तरह से आप लोग को कर लेना है। अभी मैं आप लोग को पहले प्ले करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोग को बताता हूँ कि कैसे करना है। मैं बार बार प्ले करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को अंदाजा लगे कि किस तरह से बनाना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डॉग साइड से जा रहा है, अभी हमारा क्या मिस्टेक हो रहा है, डॉग साइड से जा रहा है, तो इसको हम लोग को किस तरह से करना होगा कि उसके साथ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना है और थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेना है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेना है, कुछ इस तरह से मैं इसको ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
मैंने ऊपर ले लिया है, उसके बाद उधर से चल के आएगा। थोड़ा सा और ऊपर ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। उसके बाद मैं लास्ट में लेके आता हूँ और इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। इसी तरह से आप लोग को कर लेना। अभी मैं प्ले करके देखता हूँ कि कुछ इस तरह से हमारा वीडियो बना है किस तरह से नहीं बना है, तभी हम लोग को पता चलेगा। अभी आप लोग देखते हैं डॉग बाहर से ही जा रहा है, इसको क्या करेंगे, सेंड टू बैकवर्ड कर देंगे, कुछ इस तरह से कर देंगे सेंड टू बैकवर्ड। अभी डॉग उधर से जाएगा, अभी टच करेगा डॉग, वहाँ तक लेके आएंगे। चलिए देखते हैं कहाँ तक, कहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है डॉग। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर व्हील को ले लेंगे, व्हील को क्लिक करेंगे, कैची वाला बटन पे जाएंगे, कट कर देंगे, स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने के बाद क्या करेंगे, इस चावले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लास्ट में लेके आएंगे और इस व्हील को लेके आएंगे, कुछ इस तरह से बहुत अंदर तक ठेल देंगे। इतना कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, पहले प्ले करके देखना है। प्ले करने के बाद पता चलेगा आप लोग को किस तरह से हमारा वीडियो बना है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या गलती हो रही है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा डॉग और ये व्हील दोनों साथ में ही जा रहा है, डॉग पहले जा रहा है। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको और भी अंदर कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लेके आएंगे और पूरा अंदर कर देंगे, पूरा कुछ इस तरह से पूरा अंदर कर देंगे। अभी हमारा देख लेते हैं एक बार कि हुआ है कि नहीं। उसके पहले हम लोग यहाँ पे ओवरले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेंगे क्लॉकवाइज, कुछ इस तरह से कर लेंगे। अभी हम लोग प्ले करके देखते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को आगे का प्रोसेस बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डॉग जाएगा और आगे तक देख सकते हैं आप लोग व्हील भाग रहा है, कुछ इस तरह से आप लोग को करना है। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जैसे कि जो फाउंटेन क्रॉसिंग वीडियो में घर रहता है, ट्रक के चक्के को मारते हैं एनिमल्स लोग और जाके उनके बच्चे उस घर में दिखाई देते हैं, तो उसके आगे वाला वीडियो में हम लोग वो सीखेंगे। कुछ इसी तरह से इसको फुटबॉल को भी लेके और आप लोग को एनिमेशन कर लेना है जैसे कि मैंने बताया है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग को कर लीजिएगा और इसका जो साउंड इफेक्ट है और बैकग्राउंड म्यूजिक है वो आप लोग को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जो एनिमल्स का साउंड इफेक्ट है वो भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो दोस्तों आप लोग को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।